अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं फहद। और आज की जो नेक्स्ट वीडियो है वो एक इंतहाई डिफरेंट टॉपिक पे है, और इसमें मैं आपको इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि आप इस वीडियो में क्या आप कैट करेंगे और इसमें इस वीडियो में क्या आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो का मैं आपको टॉपिक दिखा देता हूँ, और ये वीडियो मेरी तमाम वीडियोज से सबसे इंशाल्लाह आज की वीडियो बेस्ट होगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं कि वो किस तरह जो है वो अपनी एजुकेशन को आगे प्रोसीड करें। तो मैं आपको सबसे पहले टॉपिक दिखा दूं ताकि आप जो है वो इंटरेस्ट रहें वीडियो के साथ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 बेस्ट करियर डिग्रीज फॉर नेक्स्ट डेकेड इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में आने वाले 10 सालों के लिए कौन सी ऐसी 10 डिग्रियां हैं, यानी 10 ऐसी टॉप 10 कौन सी डिग्रीज हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं नेक्स्ट करियर के लिए। वैसे तो बहुत सारी डिग्रीज इस टाइम मार्केट में, यानी अकॉर्डिंग टू विद द पैसेज ऑफ टाइम और अकॉर्डिंग टू डिमांड डिफरेंट डिग्रीज जो है वो इंस्टीट्यूट्स करवा रहे हैं, लेकिन ऐसी बहुत कम डिग्रीज हैं जिनकी आगे मार्केट में ज़्यादा डिमांड है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं जब वो किसी नई डिग्री को सिलेक्ट करते हैं अपने लिए, तो आगे प्रोफेशनल डिग्री में जाने के लिए उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करूंगा कि वो कौन सी ऐसी 10 डिग्रीज हैं जो आप सिलेक्ट करेंगे, जिनमें से कोई ए बी डिग्री अगर सिलेक्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर जो है वो उसमें बेस्ट सिक्योर होगा। तो आज की अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, 10 बेस्ट करियर डिग्री फॉर नेक्स्ट डेकेड इन पाकिस्तान। और इस वीडियो का कोई कॉन्टेंट मिस मत कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आज की वीडियो से इंफॉर्मेटिव और कलेक्टिव जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो आप अपने स्टूडेंट्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सबसे पहले इसमें कोटेशन इंक्लूड किया है जैक मा का, यानी कि इसका कोटेशन अगर देखा जाए तो लिखा हुआ है, नेवर गिव अप, टुडे इज हॉट, टुमारो विल बी वर्स, बट द डे आफ्टर टुमारो विल बी सनशाइन। यानी कि अगर इस कोटेशन की तरफ देखा जाए तो जैक मा का ये बेसिकली कोटेशन है, द ऑनर ऑफ alibaba.com। तो उसने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से ये बात एक कोट की है कि अगर आप ज़िंदगी में मेहनत करते रहेंगे लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी, हो सकता है कि आज का दिन आपके लिए मुश्किल हो और हो सकता है कि आने वाला कल का दिन भी आपके लिए बुरा हो, लेकिन उस दिन के बाद जो आने वाला दिन है वो भी आपके लिए फिर एक सूरज की नई रोशनी लेकर आएगा। तो अपनी लाइफ में एक मोटिवेशनल जो है सिनेरियो भी ज़रूर रखें ताकि आप अपने आप को मोटिवेट कर सकें टूवर्ड्स योर गोल डिफरेंट फेलियर्स को फेस करने के बाद। तो इसमें हो सकता है कि मेरा आज का वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाए, इसलिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा ताकि इसमें आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो करियर एडवाइस के लिहाज से मैंने स्टूडेंट्स के लिए आफ्टर मैट्रिक से इस चीज़ को स्टार्ट किया है कि मैट्रिक के बाद आपके लिए जो 3 फील्ड्स ओपन होती हैं वो FSC, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, इंटरमीडिएट एंड कंप्यूटर साइंस। इसके अलावा आर्ट्स की भी कुछ फील्ड्स हैं, लेकिन मैंने ऐसी टॉप फील्ड्स उठाई हैं जिनकी आजकल मार्केट में ज़्यादा डिमांड है। तो FSC प्री इंजीनियरिंग है, प्री मेडिकल है और इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस है। इसके बाद जब मैं नेक्स्ट स्लाइड में प्रोसीड करता हूँ तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए FSC प्री इंजीनियरिंग में मैंने डिग्री सॉर्ट आउट की हैं कि अगर आप FSC प्री इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें आपके लिए कौन सी ऐसी डिग्रीज हैं जो सबसे बेस्ट हैं। फर्स्ट BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, सेकंड BS इन इंजीनियरिंग फील्ड, यानी कि डिफरेंट इंजीनियरिंग की जो इसमें डिग्रीज हैं जी, उसके बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, CA एंड ACCA, BS मैथमेटिक्स, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और उसके बाद जो फिफ्थ डिग्री है वो है लॉ एंड LLB। उसके बाद आपके लिए FSC प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कौन सी डिग्रीज जो है वो बेस्ट हैं अगर वो उसको सेलेक्ट करते हैं आफ्टर प्री मेडिकल, तो इसमें है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी विच मींस MBBS, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, BDS, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी,
डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी थेरेपी एंड बैचलर ऑफ नर्सिंग एंड बैचलर इन एग्रीकल्चर। सो इन तमाम डिग्रीज को मैं आगे डिटेल में आपसे डिस्कशन करूँगा कि इन डिग्रीज में क्या स्कोप है और किस तरह इस डिग्री में आप अपनी जो करियर है उसको लीड कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो बेस्ट डिग्रीज हैं आगे मार्केट में वो बी एस इन कंप्यूटर साइंस है, बी एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और बी एस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। सो इसमें ये फील्ड्स हैं जो इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं इसको सिलेक्ट कर सकते हैं जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एफएससी प्री मेडिकल को थोड़ा एलैबोरेट करूँगा कि इसमें जो डिग्रीज हैं उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिग्री है वो हमारे पास है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। इसमें डिग्री का नाम है एमबीबीएस और ड्यूरेशन इसका जो है वो 5 ईयर का होता है आफ्टर एफएससी, और इंटर्नशिप या फिर हाउस जॉब इनकी होती है 1 ईयर की, और इंस्टीट्यूशंस इसमें 22 पब्लिक हैं और 27 प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूट का जो फिगर है ये चेंज होता रहता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसके बाद इसकी जो रिकग्नाइजेशन होती है वो है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से, यानी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल से ही, यानी जिस मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे अगर पब्लिक है या प्राइवेट है तो पीएमडीसी से रिकग्नाइज होना चाहिए। तो आप जब भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें तो सबसे पहले आपने पीएमडीसी की वेबसाइट से उस चीज़ को चेक करना है उस मेडिकल कॉलेज को कि वो रिकग्नाइज लिस्ट में फॉल करता है या नहीं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद आप फिर आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन की तरफ प्रोसीड करते हैं कि एमबीबीएस के बाद आपने किस स्पेशलाइजेशन को सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो भी आप फील्ड सिलेक्ट करते हैं यानी कॉलेज ऑफ फिजिशियन और सर्जन में आप जाके उनके थ्रू ही स्पेशलाइजेशन की डिग्री करते हैं, तो जिस चीज़ में भी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो फिर आगे एमबीबीएस के बाद फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप कार्डियोलॉजिस्ट में जाना चाहते हैं या फिर ऑर्थोपेडिक्स या फिर ईएनटी या फिर गायनेकोलॉजिस्ट या डिफरेंट, इसमें बहुत सारी फील्ड हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टॉप 1 एमबीबीएस डिग्री है मेडिकल फील्ड में। उसके बाद नेक्स्ट है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, यानी अगर आप बीडीएस को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें ये 4 ईयर की डिग्री है, 4.5 ईयर की डिग्री होती है, 4.5 ईयर इसका ड्यूरेशन हो जाता है, और इसमें भी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स बहुत सारे हैं, और रिकग्नाइजेशन इसकी भी पीएमडीसी से होती है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में इनके भी आगे फर्दर जो इसमें सर्टिफिकेशंस होती हैं जिसको आप बीडीएस से लीड कर चलेंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी डिग्री है वो है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। यानी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है इसमें आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, इसका ड्यूरेशन जो है वो 5 ईयर होता है, और इसमें भी हाउस इंटर्नशिप जो है वो आपकी 1 ईयर की है या फिर 6 मंथ की। तो इसमें जो रिकग्नाइजेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से होती है, यानी कि जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं वो उनकी जो रिकग्नाइजेशन है वो फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से होती है। इसकी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फिर आगे एमफिल पीएचडी आप फार्मेसी में करते हैं, तो इसका फार्मेसी करने का फ़ायदा ये है कि इसमें आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो डिफरेंट मेडिकल मेडिसिन कंपनीज में अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है, उसके बाद डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है, या फिर अगर आप अपना इंडिपेंडेंटली बिजनेस को रन करना चाहें तो फिर उसमें भी आप इस चीज़ को अलहदा फॉर्म अपना जो एक बिजनेस है वो रन कर सकते हैं फार्मेसी का। तो एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसमें भी आपके लिए जो आप इसको लीड कर सकते हैं। उसके बाद है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, यानी फिजियोथेरेपी की डिग्री में क्या अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो ये भी 5 ईयर का एक कोर्स है, और इसमें भी इंटर्नशिप या फिर हाउस जॉब 1 ईयर या 6 मंथ की होती है, और इसकी रिकग्नाइजेशन जो है वो है हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से। उसके बाद इसमें भी एमएस एमफिल पोस्ट ग्रेजुएशन होती है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी पे। इसमें जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हो सकती है, और इसके अलावा इसमें आप जो है एक
ऑर्थोपेडिक सर्जन यानी रिलेटेड टू बोन्स है, यानी कि अगर आपकी बोन्स ब्रेकेज वगैरह हो जाए तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसमें आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो इस तरह है कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स में हो सकती है, फिर आप जब प्रोफेशनल हो जाएं इस फील्ड में तो उसके बाद आप अपना भी इसमें बिजनेस, अपना भी अपना एक क्लिनिक ओपन कर सकते हैं विद अ फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं उस लिहाज से। तो ये भी एक अच्छी फील्ड है अगर आप डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी को भी ज्वाइन करते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट फील्ड है बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग जो है ये 4 ईयर की डिग्री है और इसमें इंटर्नशिप और हाउस जॉब भी होती है 6 मंथ या 1 ईयर की। इसकी जो रिकग्नाइजेशन होती है वो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से होती है और उसके बाद इसमें भी MS और फिर आगे पोस्ट RN यानी डिफरेंट फील्ड होती हैं बैचलर ऑफ नर्सिंग के बाद। इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, इसमें स्टूडेंट्स के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो आर्मी में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके अलावा डिफरेंट हॉस्पिटल्स में भी इनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उसमें भी अप्लाई करके एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। तो इसमें भी आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी इसमें। और जी अब हमारी नेक्स्ट जो फील्ड है वो है FSC प्री इंजीनियरिंग, यानी जो FSC प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो नेक्स्ट डिग्रीज मैंने मेंशन की हैं उसके लिए उनमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहली डिग्री है वो है BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ड्यूरेशन जो है वो 4 ईयर है और इंटर्नशिप इसकी जो है वो 1 ईयर की है। रिकग्नाइजेशन जो है वो इसकी है नेशनल बिजनेस एजुकेशन एग्रीगेशन काउंसिल से और इसमें भी MS 2 ईयर स्पेशलिस्ट डिग्री होती है, यानी अगर आप इसमें MBA करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यानी इसमें डिफरेंट फील्ड्स होती हैं, MBA इन HR या फिर MBA इन मार्केटिंग आप करना चाहते हैं या फिर MBA इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट या फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, तो इसमें आप कोई भी स्पेशलाइजेशन फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इंतहाई बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके लिए और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें। इसका जो सैलरी पैकेज है अगर वो आप देखें तो मार्केट लेवल पे, यानी अगर आपको प्राइवेट फर्म में जॉब मिलती है तो वहाँ पे आपका पैकेज 25,000 टू 30 स्टार्टिंग में होगा और अगर आप गवर्नमेंट में इसकी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो फिर वहाँ पर 60, 70, 80,000 तक भी हो सकता है। तो ये आप इस मतलब जो BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें इसकी अभी भी वर्थ है इस डिग्री की, इसको इतना मतलब आप लाइट नहीं समझें क्योंकि वे डिफरेंट स्टूडेंट्स इसके बारे में कहते हैं कि BBA या MBA की अब कोई वर्थ नहीं रही, लेकिन इस डिग्री की बहुत डिमांड है अभी भी मार्केट में। उसके बाद नेक्स्ट है BS इन इंजीनियरिंग फील्ड, यानी BS अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में करना चाहते हैं तो इसमें क्या डिमांड है मार्केट में। तो ये भी 4 ईयर का प्लान है और इंटर्नशिप जो है इसमें भी 1 ईयर की होती है और इसकी जो रिकग्नाइजेशन है वो है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से। जी तो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से इसकी रिकग्नाइजेशन है और इसका जो MS है वो भी 2 ईयर्स का होता है, उसके बाद आप आगे PhD करते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग में कौन सी फील्ड आपके लिए बेस्ट हैं वो भी कुछ हैं जो इंजीनियरिंग में ज़्यादा बेस्ट हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट जो इंजीनियरिंग की डिग्री है वो है सिविल इंजीनियरिंग है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग का बहुत स्कोप है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी बेस्ट फील्ड है, OGDCL जैसी फर्म्स में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं इसमें। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत बेस्ट डिग्री है, ये आप इन इंजीनियरिंग फील्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट हैं। और इसमें इंजीनियरिंग में एक चीज़ ज़रूर आप याद रखिएगा, अगर आप इंजीनियरिंग को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, यानी अगर आप मार्केट में फ्रेश इंजीनियर जाएं तो वहाँ पर आपको हो सकता है कि आपकी डिमांड के मुताबिक पे ना मिले और आपको 15,000 या 20,000 यू नीड टू बी आस्क्ड 25,000 से स्टार्ट लेना पड़े या फिर 30,000 भी कुछ कंपनी ऑफर करती हैं इनिशियल लेवल पे, लेकिन आपको
एटलीस्ट 5 to 6 ईयर एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है, उसके बाद आपकी वर्थ बनती है, तब जाके आप एक प्रोफेशनल इंजीनियर के तौर पर सेलेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फील्ड है वो है बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस CA ACCA। जी तो बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस CA या ACCA जो फील्ड है ये बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 4 ईयर का है आफ्टर FSC, और CA एंड ACCA। CA सर्टिफिकेशन या ACCA सर्टिफिकेशन जो है इसमें भी आपको काफ़ी ड्यूरेशन जो है वो लग जाता है, लेकिन 4 to 5 ईयर का इसका भी स्पैन है, लेकिन ACCA का मुझे कंफर्म नहीं कुछ। इसमें ACCA जो है इसका 4 to 5 ईयर का स्पैन हो सकता है, और ACCA का भी 2 ईयर्स या 3 ईयर्स इसका स्पैन जो है वो होता है। तो आप जो अकाउंटिंग यानी ऑडिट्स की जो फील्ड है ये टॉप लेवल की डिग्री है अगर आप इस सर्टिफिकेशन में जाते हैं, तो इसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये है कि डिफरेंट कंपनीज में ऑडिट्स जो है यानी कोई कंपनी जो है वो विदाउट ऑडिटर जो है वो नहीं रेगुलेट कर सकती। तो इसमें जो स्टूडेंट CA करना चाहते हैं या फिर ACCA करना चाहते हैं तो वो ज़रूर इस फील्ड को सिलेक्ट करें, इसमें आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं पाकिस्तान में। और इसका पे पैकेज जो है वो स्टार्टिंग ही 60-70+ होता है, जिसमें आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, क्योंकि एज एन ऑडिटर CA या फिर ACCA करना इंतहाई टफ है, और इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास डिग्री है वो है BS मैथमेटिक्स इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री। और इसमें क्या स्कोप है, इसमें स्कोप इस तरह है कि इसमें भी आपकी जो डिग्री है 4 ईयर की है, इंटर्नशिप यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपका एक्सपीरियंस गेन होता है, हायर एजुकेशन कमीशन से इसकी भी रिकॉग्निशन है, उसके बाद इसमें MS MPhil और उसके बाद 2 ईयर स्पेशलाइज डिग्री है आपके लिए। BS मैथमेटिक्स इंग्लिश फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ये वाली जो डिग्रीज हैं ये आपको लेक्चरारशिप की तरफ लेके जाती हैं, यानी अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में एक प्रोफेशनल लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं यानी अगर किसी एक सब्जेक्ट के आप स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छा स्कोप है। आप डिफरेंट स्कूल्स में कॉलेजेस में यानी गवर्नमेंट के जो होते हैं या फिर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, और इसमें भी पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत स्कोप है। इसके अलावा और जितने सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट डिग्रीज हैं विच इंक्लूड इंग्लिश लिटरेचर अरेबिक और पंजाबी डिफरेंट जो इसमें जितनी भी डिग्रीज हैं वो इंतहाई पॉपुलर हैं, लेकिन मैंने जो सिलेक्टिव थी वो आपके सामने मेंशन की हैं जो जो इंतहाई जिसमें बहुत ज़्यादा डिमांड है, जिसकी जिस डिग्री की बहुत ज़्यादा डिमांड है मार्केट में, और जिसमें आपको डिग्री करने के बाद यानी आपके लिए अपॉर्चुनिटी काफ़ी गेन हो सकती है। क्योंकि समटाइम स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो डिग्री को यूनिवर्सिटी से पास कर लेते हैं तो उनके लिए आगे जॉब तलाश करना मुश्किल होता है कि वो उसमें कैसे उस चीज़ को तलाश करें। तो ये डिग्रीज इंशाल्लाह आपको बेहतरीन जगह पे अपॉर्चुनिटी दिलवाएंगी, यानी आप ये डिग्रीज करने के बाद ये नहीं फील करेंगे कि आपने गलत डिग्री यानी जो है गलत सेलेक्ट की है, तो इसमें आपके लिए काफ़ी मार्केट में एज आपको मिल सकता है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट फील्ड जो है वो है लॉ LLB LLM, यानी अगर आप लॉ करने जाते हैं तो लॉ भी 5 ईयर का है आफ्टर FSC, और ये भी हायर एजुकेशन कमीशन से रिकगनाइज है, और 2 ईयर स्पेशलाइज डिग्रीज है इसमें, और लॉ में भी ठीक ठाक एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। इसमें भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी वर्थ गेन करनी पड़ती है, लेकिन इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वेन यू गेट द वर्थ सो यू विल रूल द इंटायर सिस्टम, तो फिर आप इसमें ईजीली अपना जो भी है सिस्टम रेगुलेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और इंटरेस्ट पर डिपेंड है, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो ये फील्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और इसमें भी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लास्ट पॉइंट था वो था इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस, यानी कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि वो BS इन कंप्यूटर साइंस को ही सिलेक्ट करें,
जो टॉप लेवल की डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो ये 4 ईयर का कोर्स है, इंटर्नशिप इसकी भी 1 ईयर की है, नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एग्रीगेशन काउंसिल, और पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें MScS जो डिफरेंट स्पेशलाइजेशन करवाए जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस अगर आप पाकिस्तान में बेस्ट यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस की सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फास्ट यूनिवर्सिटी बेस्ट है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी भी बेस्ट है और नस्ट भी बेस्ट है। तो ये 3 टॉप यूनिवर्सिटी थे सी एस के लिहाज से पाकिस्तान में। उसके बाद जो नेक्स्ट डिग्री है वो है बैचलर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यानी अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट करते हैं तो इसकी डिमांड जो है वो कदर कम है सीएस से, लेकिन इसमें कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वर्क रिलेट आ जाता है जो ये भी नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एग्रीगेशन काउंसिल से एफिलेटेड होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास डिग्री है वो है बैचलर BS इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अगर CS के बाद किसी डिग्री को रैंक दिया जाए IT की फील्ड में तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को है, यानी सेकंड नंबर पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की भी बहुत डिमांड है, यानी अगर आप एक बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो इसमें आप इंडिपेंडेंटली अपना वर्क रेगुलेट कर सकते हैं, और इसकी भी रिकग्नाइजेशन नेशनल कंप्यूटिंग एजुकेशन एग्रीगेशन काउंसिल से होती है। इसमें भी MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और इसमें भी बहुत स्कोप है मार्केट में। इस टाइम दुनिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसी भी कंपनी की बैकबोन है। तो दो चीज़ें इस टाइम दुनिया में सबसे ज़्यादा रेगुलेट कर रही हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक मैनेजमेंट और दूसरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सो मैनेजमेंट मैंने आपको पहले बता दिया जो BBA डिग्री है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये दो डिग्रीज जो हैं इंतहाई पीक पे रहने वाली डिग्रीज हैं आने वाले दौर में, जो आपको काफ़ी हेल्प जो है वो दे सकती हैं। उसके बाद बैचलर इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, ये भी अच्छी फील्ड है अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इससे इसका कदर स्कोप जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी कम है, और इसमें भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसमें बैचलर है 4 ईयर का कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, और इसमें भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में फील्ड में इन हो सकते हैं इसके थ्रू भी। तो ये आपके लिए तमाम डिग्री C10 बेस्ट करियर डिग्री फॉर द नेक्स्ट डेकेड। लास्ट में मैंने आपके लिए रैंक वाइज तमाम डिग्रीज मेंशन कर दी कि रैंकिंग के लिहाज से टॉप 10 डिग्रीज कौन सी हैं आपके लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री है BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस CA ACCA, सेकंड है MBBS, थर्ड इंजीनियरिंग की जितनी भी डिग्रीज हैं, फोर्थ आपके लिए BS मैथमेटिक्स इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री, और BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज एट 5th नंबर। रैंक 6 पे है लॉ, रैंक 7 पे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस, रैंक 8 पे है डेंटल सर्जन यानी BDS, रैंक 9 पे है बैचलर इन एग्रीकल्चर, और रैंक 10 पे है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। बैचलर इन एग्रीकल्चर के बारे में मैं थोड़ा एलेबोरेट नहीं कर सका। बैचलर इन एग्रीकल्चर का स्कोप भी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। इस टाइम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काफ़ी वर्क किया जा रहा है पाकिस्तान पे, और इसमें भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जो आप अवेल कर सकते हैं। सो ये टॉप 10 फील्ड्स हैं जी जो मैंने आपके सामने मेंशन की हैं। ये जितनी भी डिग्रीज मैंने आपके सामने मेंशन की हैं इसमें आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, और आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक डिग्री को सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही आप फील्ड में वर्क जो है वो एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जितनी भी डिग्रीज हैं इनके CA का जो पे पैकेज स्टार्टिंग है वो 50-60 से स्टार्ट, यानी बेस्ट पैकेज है इसमें भी, और बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी में भी पैकेज अच्छे हैं। इंजीनियरिंग में स्टार्टिंग में कम पैकेज हो सकता है, 25-30 शायद आपको प्राइवेट में दिया जाए, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी ले जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको अच्छा पैकेज मिलेगा, यानी आप कह सकते हैं 70-80,000। उसके बाद रैंक 4 में अगर आप देखें तो इसमें BS मैथमेटिक्स इंग्लिश फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ये आपको लेक्चरारशिप में लेके जाएगी। अगर आप स्कूल या कॉलेज लेवल पे जॉब करते हैं तो हो सकता है कि इसका पे पैकेज 30-35,000 हो स्टार्टिंग, और अगर आप इसको यानी गवर्नमेंट जॉब में लेके जाते हैं विद 17 स्केल तो हो सकता है कि इसका पे पैकेज आपके लिए 50-60,000 हो। रैंक 5 में BS इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, इसमें अगर आपको प्राइवेट जॉब दी जाती है तो इसमें 20,000 पे आपको स्टार्टिंग मिल देगी। और रैंक 6 में अगर देखें तो लॉ, और लॉ में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है एज अ फ्रेश
कैंडिडेट आपको बहुत कम ही पे मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग के बाद आप उसको अच्छा रेगुलेट कर सकते हैं। रैंक 7 पे है बीए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपको इंडिपेंडेंटली खुद वर्क आता है तो फिर आपको जॉब के बजाय आप इंटरनेट पे काफ़ी इस पे काम शुरू कर सकते हैं अपने इंडिपेंडेंटली वर्क से। और इसमें आप ठीक इसमें भी एक हैंडसम पे अर्न कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मेंटली तौर पे वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इंटरनेट पर डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, fiverr.com और उसके बाद ईलांस है, फ्रीलांस है, जहाँ पे आप वर्क करके और अर्न कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें आप अपने आप को मनवा सकते हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो पेज हैं, यानी अगर एक स्किल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो 1 लाख पे भी मार्केट से ले रहा है। उसके बाद BTS है, बैचलर डेंटल सर्जन, ऑलवेज नोन BDS बेस्ट मेडिकल फील्ड। और इसमें भी आपको पे पैकेज भी एन अपीलिंग सैलरी पैकेज मिल सकता है 50+। और बैचलर इन एग्रीकल्चर है, इसमें भी एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट चाहिए होते हैं तो उनको भी 40 to 45,000 पे ऑफर की जाती है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, इसमें भी आपको हो सकता है प्राइवेट कंपनी स्टार्टिंग में 25,000 या 30 तक पे ऑफर करें। तो ये 10 बेस्ट करियर डिग्रीज थी फॉर नेक्स्ट डेकेड इन पाकिस्तान आपके लिए, जो 10 बेस्ट हैं, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके लिए 10 बेस्ट डिग्रीज यहाँ पर मेंशन की हैं। और ये 100% मैं आपको इसमें कह सकता हूँ कि अगर आप ये 10 डिग्री सिलेक्ट करेंगे, 10 डिग्री में से कोई एक भी डिग्री अगर आप सिलेक्ट करते हैं जो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, तो आपको बैचलर यानी मास्टर्स करने के बाद इस चीज़ की परेशानी नहीं होगी कि आप मार्केट में एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के। यानी कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जो इस टाइम न्यू आई हुई हैं कि आप गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं हैं। तो ये जितनी भी डिग्रीज हैं इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने के एलिजिबल ज़रूर होंगे। उसके बाद आज की हमारी वीडियो जो है वो एंड हुई इसी टॉपिक के साथ, टॉप 10 बेस्ट करियर डिग्रीज फॉर नेक्स्ट डेकेड इन पाकिस्तान। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। इसमें मैंने 10 बेस्ट डिग्रीज जो है वो मेंशन की कि आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं। और कोई क्वेश्चन आंसर है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में प्लेस कर सकते हैं कि आपको आप किस डिग्री में जाना चाह रहे हैं और उसका क्या स्कोप है मार्केट में जो आपके लिए बेस्ट हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी वो होगी स्कोप ऑफ न्यू डिग्रीज इन पाकिस्तान, कि जो आप न्यू डिग्रीज हैं पाकिस्तान में, जैसे मैथ्स कम्युनिकेशन है, उसके बाद डिज़ाइनिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं जो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स करवा रहा है, इसके अलावा और काफ़ी न्यू डिग्रीज हैं जो पाकिस्तान में करवाई जा रही हैं, उनका क्या स्कोप है पाकिस्तान में, तो उसके बारे में मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, सब्सक्राइब एंटर एजुकेशन फॉर मोर न्यू करियर वीडियोज़। इसमें इंशाल्लाह मैं आप 3 कैटेगरीज में वर्क कर रहा हूँ, स्कॉलरशिप पे, और दूसरा टेस्ट पैटर्न, और थर्ड करियर एडवाइस पे। आई होप कि मेरी वीडियोज़ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।